हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव और आप मुझे देख रहे हैं बत्रा हेल्थ केयर पर। आज मैं आपको बता दूं बताने वाला हूं कि मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसका आपकी प्रैक्टिकल फिजिकल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है। मास्टरबेशन एक अननेचुरल चीज़ है और जब आप इसको करते हो तो आपकी पूरी बॉडी जो पेनिस से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं पेनिस से माइंड कैसे कनेक्टेड है, तो आप इस चीज़ को समझो कि जब आप मास्टरबेशन करते हो, जब आप कोई पोर्न मूवी देखते हो या कुछ पोर्न सीन देखते हो या फिर आप किसी के बारे में कोई विचार करते हो, तो विचार तो आपने माइंड में किया ना, और इरेक्शन पेनिस में कैसे हो गया? तो कनेक्शन तो है। ऐसे ही पेनिस का कनेक्शन आपके टेस्टिस से भी है, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बनता है, जहाँ पर सीमन का प्रोडक्शन बन होता है, जहाँ पर स्पर्म काउंट बनते हैं, तो वहाँ से भी कनेक्शन है पेनिस का। अब वो कैसे है, आप इस चीज़ को समझो। जब आपने मास्टरबेशन किया तो सीमन डिस्चार्ज हुआ। अब ये जो सीमन डिस्चार्ज हुआ है ये कहाँ से आया? ये टेस्टिस में से ही तो आया, बनता तो टेस्टिस में ही है ना, और आया है पेनिस के रास्ते बाहर। तो कनेक्शन तो हुआ, माइंड से भी हुआ और टेस्टिस से भी हुआ। तो जब आप मास्टरबेशन करते हो तो इसीलिए आपकी मेमोरी लॉस होते हैं, आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं, आपका नर्वस सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है और बहुत सारे नुकसान आपको होते हैं। मास्टरबेशन जब आप करते हो, पेनिस कनेक्टेड है क्योंकि टेस्टिस से, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी कम होने लग जाता है, और जहाँ पर सीमन जो बनता है और जहाँ स्पर्म काउंट बनते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन की अगर कमी होगी तो सीमन भी आपका पतला हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से स्पर्म काउंट भी बनने कम हो जाएंगे, जिसको आप ओलिगोस्पर्मिया बोल सकते हो। और ओलिगोस्पर्मिया के बाद जो सेकेंड स्टेज है क्या है, एजोस्पर्मिया, स्पर्मेटोजोआ, जहाँ पर स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो जाते हैं, परमानेंट इनफर्टिलिटी आ जाती है, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मास्टरबेशन से। नुकसान तो ज़बरदस्त हैं, फिर भी लोग करते हैं, बहुत करते हैं। अब कारण क्या है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, एलोपैथी के साइंटिस्ट और मॉडर्न मेडिकल साइंस, सेक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भाई इससे नुकसान नहीं होता। तो अब जो लोग यूट्यूब पर या गूगल पर इन लोगों को सुनते हैं या देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई इससे तो कोई नुकसान नहीं होता, खूब करो, और वो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब आप टीनेज से आपने शुरू किया, यंग एज में आप आए और धीरे धीरे आपने देखा कि पेनिस में वो पहले वाली बात नहीं रही, वो इरेक्शन अब नहीं आता, वो टाइटनेस अब नहीं आती, वो पेनिस लूज रहता है, पेनिस में कुछ छोटापन महसूस हो रहा है, इस तरह की चीज़ें आप फील करने लग जाते हो, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है जब आप इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आने लग जाएं, क्योंकि फिर आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो, और जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बॉडी उसको क्रिएट कर देगी। जैसे कि एक इंसान बार बार सोच रहा है कि मेरा पेनिस छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, दिन में 10 बार उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, वो टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, एंग्जाइटी आ जाती है उसमें, और एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी आने वाले समय में वो छोटापन उसमें आ जाता है, और तब उसको पता चलता है कि रियलिटी में छोटापन क्या है। अभी तो उसको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ा 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 नहीं हो सकता। मास्टरबेशन की वजह से प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता, पेनिस की नसें एक्सपेंड नहीं कर पाती, उस वजह से आपको लगता है कि पेनिस छोटा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो छोटा नहीं हो रहा है। छोटा वो तब होगा जब आप उसको बार 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 सोचोगे, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इतना सा हो जाएगा और अंदर चला जाएगा। तो आपको एक तो इन चीज़ों से बाहर निकलना है, रियलिटी को पहचानना है कि हाँ आपने सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आपने ये देखना है कि हाँ मास्टरबेशन मैंने किया है, उसकी वजह से नसों में कमजोरी आई है, सर्कुलेशन रुका है, ऑक्सीजन रुका है, ब्लड फ्लो रुका हुआ है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत छोटापन लग रहा है, एक्चुअली में वो छोटापन नहीं है। जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वो अपना सही साइज और शेप उसको मिल जाएगा। तो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन हैं।
और मेडिकेटेड ऑयल भी हैं और उसको लगाने का सही तरीका भी है। तो ये सारी चीज़ें जब नेचुरल चीज़ें आपके पास हैं तो एलोपैथी में क्यों जाते हो? एलोपैथी में कुछ है ही नहीं वायग्रा के सिवा, आपको वायग्रा देंगे। जो लोग अपनी किडनी डैमेज करना चाहते हैं या जो बीपी के पेशेंट वायग्रा ले लेते हैं तो सडन डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस खुद बोलता है, और अब जब वायग्रा लेने जाओगे किसी डॉक्टर से तो वो खुद आपको बताएगा अगर आप पूछोगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है। वायग्रा को ये नहीं पता कि मुझे ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे बढ़ाना है, वो पूरी बॉडी में बढ़ा देती है, आपके हार्ट में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम और कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो इमीडिएटली सर में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत लोगों ने बताया वायग्रा लेने के बाद, क्यों होता है? क्योंकि बीपी बढ़ जाता है। तो और जब आप इस तरह की गर्म दवाइयाँ लेते हो तो सीधा इफ़ेक्ट आपका पड़ता है किडनी के ऊपर। बहुत सारे लोग शिलाजीत खा रहे हैं, कह रहे हैं जी आयुर्वेदिक है, शिलाजीत आयुर्वेदिक नहीं है, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये पत्थर से निकलता है और बहुत गर्म होता है, किडनी डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा। और शिलाजीत जब आप लेते हो कैल्शियम की मात्रा बॉडी में काफ़ी बढ़ जाती है, वो ब्लड में घूमता रहता है और हार्ट में डिपॉजिट हो सकता है। इन चीज़ों को आप, अब नेचुरल नहीं है वो पत्थर से निकली हुई एक चीज़ है, वो कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आप खा रहे हो। शिलाजीत का ये कारोबार इंडिया में और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए का है। तो आपने ये बिजनेस मॉडल को समझना है, जब आप ये समझ जाओगे तो फिर इन चीज़ों से आप बच जाओगे। तो मेरा कहना आपसे सिर्फ ये है कि नेचुरल चीज़ों में आओ। मास्टरबेशन के ज़बरदस्त नुकसान होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे आप देखोगे कि हाँ सीमन की क्वालिटी ख़राब हो रही है, पतला हो गया है, उसमें हल्का पीलापन आ गया है, उसमें स्मेल ख़त्म होती जा रही है और पानी जैसा हो गया है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इरेक्शन नहीं होता, प्रॉपर टाइट नहीं होता, ये सारी चीज़ें आप फील करने लग जाते हो। और फिर आप देखते हो कि पेनिस का जो कलर है, टीनेज में जब आपने मास्टरबेशन शुरू किया था तो वहाँ वो अच्छा खासा साफ़ सुथरा ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम उसमें कालापन आने लग जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो जहाँ पर आपका कम होगा या रुकेगा वहाँ कालापन या नीलापन आ जाएगा। ये भी एक साइंटिफिक चीज़ है अगर आप इसको समझो। तो मास्टरबेशन के नुकसान होते हैं, और जो डॉक्टर बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि मास्टरबेशन से नुकसान नहीं होते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया आप क्या अपने बच्चों को ये बोल सकते हो कि मास्टरबेशन से नुकसान नहीं होते, बेटा खूब करो? अगर आप ये बोल सकते हो तो आपको हक है दूसरों को बोलने का। अपने बच्चों को आप नहीं बोलते कि मास्टरबेशन करो, लेकिन दूसरों के बच्चों को आप बोलते हो कि मास्टरबेशन करो, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और जितना आप इन चीज़ों से बचोगे उतना अच्छा है। अननेचुरल चीज़ें नुकसान करती हैं, जैसे मैंने कहा कि आप किसी से आँख मिला के बात नहीं कर सकते, नर्वस सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं और मेमोरी लॉस हो जाती है, पेनिस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, लो डिज़ायर, ये सब होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी कम होने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों को हमने टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराया, 18-20 साल के बच्चे 200 से 300, 400 इससे ऊपर आता ही नहीं है। भाई आप यंग हो तो आपका 600, 700, 800, 900 क्यों नहीं आता है? 200, 300, 400 तो उन लोगों का आता है जो 50 साल की उम्र पार कर चुके, इसका मतलब वो सिम्टम आपके अंदर अभी आ गए बुढ़ापे वाले। तो बहुत आपको सोचने की ज़रूरत है कि अननेचुरल क्या है और नेचुरल क्या है। सेक्स करना, इंटरकोर्स करना, इंटीमेशन होना, ये नेचुरल है और इसी के लिए ही इस तरह के सेक्सुअल सिस्टम को तैयार किया गया। लेकिन मास्टरबेशन करना अननेचुरल है, इससे नुकसान होते हैं, डैमेज होते हैं नसों में, जहाँ बारीक बारीक पतली पतली नसें हैं, आपके सर के बाल से भी पतली नसें हैं और हज़ारों नसें हैं, वेंस हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आती हैं और फिर आप टेंशन में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में आ जाते हो, सारा दिन इसी के बारे में सोचते रहते हो। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। आप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बता सकते हैं।
और बिल्कुल भी शर्माने की, हिचकने की, झिझकने की ज़रूरत नहीं है, और डिटेल में मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, एक सही मेडिकल एडवाइस आपको देंगे। थैंक यू सो मच।